हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये जो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो आप लोग का चल रहा है फर्स्ट टाइम बैच, उसका 10वां दिन होने जा रहा है। अभी तक हम लोग का 9वां दिन तक कंप्लीट हो चुका है। आइए आज के लेक्चर में हम लोग 10वां दिन को कम्प्लीट करते हैं। इसमें हम पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। आज पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। जो क्लास 12th में सबसे ज्यादा जो अच्छी मतलब एक अच्छी और बहुत प्यारी टॉपिक मानी जाती है, और बहुत यदि आप पढ़ नहीं रहे हो तो हार्ड भी टॉपिक मानी जाती है, और सबसे अधिक नंबर वाला जो टॉपिक माना जाता है वो क्या है तुम्हारा, ये कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ तुम्हारा ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे करते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए थोड़ा सा हम समझते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन मैं खुद से लेता हूं, यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मान लो यक्स इक्वल टू दे रखा है ये साइन थीटा, और वाई इक्वल टू दे रखा है ये कॉस थीटा। मान लीजिए ये दे रखा है, इसे हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसका हमें पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, हम इसे dy by dx कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, dy by dx कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बाबू, जो dx बटा d थीटा होता है उसको क्या करते हैं, ये हम थीटा के सापेक्ष इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी x इक्वल टू a sin थीटा। तो a, अब देखिए sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos थीटा। इसी तरह से हम y वाले क्वेश्चन को करेंगे a cos थीटा, और यहाँ पे dy by d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a sin थीटा। भाई यदि आप इसका हमें dy by dx निकालना है तो क्या कहिएगा, dy by d थीटा बटा dx बटे d थीटा हो जाएगा। बोलिए इसको, इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड कर रहा है, तो dy by d थीटा अब डिवाइड फॉर्म में है तो डिवाइड कर लीजिए dx by d थीटा। चेक कीजिए dy by d थीटा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा d थीटा by dx। तो इसके और इसके जब हम इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे रखेंगे, यानी यहाँ पे देखिए जब इसको अब वैल्यू को पुट कीजिए क्या होगा मेरा, तो इसका मतलब है कि हमारा dy by d थीटा, dy by d थीटा हमने क्या निकाला था, तो dy by d थीटा हम लोग क्या निकाले थे, तो a sin थीटा, और d थीटा by dx क्या निकाले थे, 1 बटा cos थीटा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, तो माइनस a tan थीटा। तो यही तुम्हारा क्या हो जाता है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। इसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे dx by d थीटा निकालेंगे और dy by d थीटा निकालेंगे। जब इन दोनों को हम क्या कर रहे होंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी dy by dx आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, और यहाँ से अपने क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं कि आता मेरा क्या है आखिरकार। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, करा x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू ए टी पावर 4, यही दिया है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है बाबू। पहले हम सेम जो मेथड आपको बताए वही मेथड को यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत है। तो बोलिए बताइए, तो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, dx by dt हो जाएगा, और t के सापेक्ष हम इसका क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। तो 2a और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t यानी 4at हो जा रहा है। इसी तरह से इसका यानी y, तो y इक्वल टू at पावर 4 दे रखा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब a तो कांस्टेंट है, अब 4t का क्यूब। तो अब देखिए इसको dy by d थीटा लिख लो यार, तो
डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू 4at का क्यूब। अब बताओ तुम डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा डी वाई बाय डी थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा। बताइए बाबू, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4at का क्यूब, और इसके जगह पे क्या लिखोगे, 4at, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हम इसी तरह से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है बोलिए, यक्स इक्वल टू दे रखा है ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू दे रखा है बी कॉस थीटा, यानी एक्स इक्वल टू यानी डी एक्स बाई डी थीटा आपका क्या दिया है, तो इसका जब इसका आप थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा हम निकाल रहे होंगे तो माइनस बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। बोलो बाबू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी बाई ए। हम क्या कर रहे होंगे कि इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हम निकाल रहे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस टू टी, ठीक है, x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस टू टी, ठीक है। बोलो इसका जब आप सॉल्यूशन यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, तो x इक्वल टू साइन टी है तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस टी। इसी तरह से y इक्वल टू कॉस टू टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉस टू टी का साइन टू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू। इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू थीटा का, तो टू टी का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। हमें चूंकि निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी टी डी थीटा डी टी होगा ना जी, हाँ टी होगा इक्वल टू। अब बताइए माइनस टू साइन टू टी बटे कॉस टी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर बताइए, x इक्वल टू 4t है तो यहाँ पे dx बाई डी टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से y इक्वल टू 4yt है तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 4y 1/t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में क्यों हो जा रहा है, क्योंकि t इनवर्स हो जाएगा ये यदि ऊपर जाएगा तो, और t इनवर्स क्या होता है, 1/t स्क्वायर, यही ना होता है यार, बस इसके जगह पे ये देख दिए। बताओ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4/t² / 4, ये तुम्हारा 4 से 4 कटेगा और आएगा 1/t², यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/t², यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अब चेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। बस यहाँ पे आप क्या यहाँ पे आप क्या करोगे कि dx by dt इक्वल टू यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का क्या होगा जी, तो माइनस में पहले cos का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन टू थीटा हो जाएगा, और जब थीटा का आप कर रहे होगे तो टू थीटा यानी टू हो जाएगा, तो यानी क्या आएगा, माइनस साइन थीटा यानी टू साइन टू थीटा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। फिर बोलो बाबू वाई यानी डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा का क्या होगा, कॉस टू थीटा, और दो को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा,
तो डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। बोलो बाबू, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा बटे यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या होगा इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को कि आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिक्स को कैसे करोगे। तो यक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, वाई इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा दे रखा है, कैसे सॉल्व करोगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा, पहला थीटा का वन, कॉस थीटा का साइन थीटा का कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा ए वन का बाबू जीरो जीरो और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिखिएगा ए साइन थीटा। और बोलो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा। बोलो बाबू, सॉरी यार यहाँ पे यक्स है तो यक्स की जगह पे यक्स लिख लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना बटा इतना, अरे यार ये ऊपर बोलो, तो ये साइन थीटा बटे ए वन माइनस कॉस थीटा। कुछ मत करो, ए से ये काट लो, बोलो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो यार एक चीज मैं बता दे रहा हूं जिससे कि क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। डर कहां से रहे हो, अंडर रूट कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा दिया है तब डर रहे हो ना, यही बातें हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस टू थीटा तो क्या होगा पहले समझो। देखो यार कॉस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू लिख सकते हैं। यदि पहले इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो बोलो क्या होगा वन बाई टू अंडर रूट क्या होगा कॉस टू थीटा होगा। क्यों हुआ पता चला, क्योंकि भाई यदि x की पावर माइनस वन है तो अगर देखो तो यहां पे किया क्या हुआ इतना हो जाता है ना यार, क्योंकि यार जब ये तुम्हारा वन तुम घटाओगे इसमें से वन तुम क्या कर रहे हो घटा रहे हो, ये वन बाई टू तो यहां चला जाएगा और cos 2t यानी माइनस वन बाई टू, और जब ये क्या होगा रूट, ये जो रूट लगेगा और नीचे फिर क्या हो जाएगा cos 2t आ जाएगा, यही हो जाएगा ना यार। तो बोलो अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन करो cos 2t का, तो cos का क्या होगा तो बोलोगे कहोगे कि सर माइनस में साइन टू टी होगा, फिर अब बोलोगे टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो बोलोगे कि सर टू होगा। अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो क्या होगा, तो माइनस टू साइन टू टी बटे टू अंडर रूट कॉस टू टी, इससे ये कट जाएगा, बोलो साइन टू टी अंडर रूट कॉस टू टी यही आएगा। कुछ मत करो, बस जहां जहां जरूरत पड़ेगा तहां तहां पुट कर देना, ठीक है यही वाला। बोलो यार जैसे हम यक्स का निकालते हैं तो साइन क्यू टी बटे अंडर रूट कॉस टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी जब तुम निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हर अंश और हर वाला फार्मूला लगेगा, तो हर डिफरेंशिएशन किसका अंश का, तो क्या होगा थ्री साइन स्क्वायर टी। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे साइन का, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस टी, फिर माइनस अंश अंश डिफरेंशिएशन किसका हर का, तो हर तुम्हारा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या है जी, तो माइनस साइन टू टी बटे में यहाँ पे अंडर रूट कॉस टू टी बटा। अब ध्यान दो यहाँ पे तुम्हारा हर क्या दिया है, तो जो दिया है उसका स्क्वायर कर दो, टू टी का स्क्वायर। बोलो बाबू कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब एलसीएम अगर मन करे तो एलसीएम ले लो, मन करे तो एलसीएम ले लो। देखो इसको यहां एलसीएम लोगे तब पर में भी क्या होगा कोई फायदा नहीं है, बस इतने करके छोड़ दो, ज्यादा ज्यादा इसमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। अब बताओ डी वाई बाई
डी टी लोगे, बोलो तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ये वाला है इसको सॉल्व मुझे करना है, तो हर जो हर है उसको लिख लो, फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, अंश का, तो बोलो थ्री कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का क्या होगा तो बाबू माइनस साइन टी, फिर माइनस, अब देखो यार हर अंश का डिफरेंशिएशन, अब अंश जो अंश दिया है फिर हर का डिफरेंशिएशन, हर क्या है बाबू तो कॉस टू टी, बोलो तो माइनस साइन टू टी बटा कॉस टू टी, ठीक है बाय। अब यहां पे क्या होगा, अंडर रूट कॉस टू टी का स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे हम, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स मुझे निकालना है यानी डिवाइड देना है, यानी डिवाइड करना है, तो करो क्या आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो तो चेक कर लिया करो, ठीक है, और कमेंट में बताया करो कि सर यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, ठीक है भाई, कभी कभी क्या होता है कि कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो आप क्या कर दिया कीजिए कि उसे बता दिया कीजिए कि सर यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, ओके चलो। तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स हमें यही फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो बताओ क्या होगा, ये वाला पूरा पहले लिख लो, तो क्या होगा कॉस टू टी, और यहाँ पे थ्री को हम बाहर निकाल लें, माइनस को भी बाहर निकाल लें, तो थ्री भी बाहर आ गया माइनस भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या होगा साइन टी, फिर बोलो बाबू माइनस जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर तुम्हारा प्लस हो जाएगा प्लस, अब बताओ कॉस फिर यार कॉस क्यू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी, ओके अब कुछ नहीं करोगे नीचे वाला को बस लिख लो, नीचे तुम्हारा क्या जो भी है बोलो अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर बटे में इसको अब लिखेंगे, तो बोलो बाबू अंडर रूट कॉस टू टी, और थ्री जो है उसको लिख लो, ये थ्री जो है उसको लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस, इसी तरह से हम क्या लिखेंगे साइन क्यू टी, और माइनस माइनस तुम्हारा क्या कर देगा अंदर प्लस हो जाएगा, बोलो साइन टू टी बटे अंडर रूट कॉस टू टी, अब इसका बटा करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है अब, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ क्या हो जाता है कि बच्चे कॉम्प्लिकेटेड को देख के सोचते हैं कि यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये क्वेश्चन मेरा, क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, रूट वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं यार जिस तरह से है सब तो वही क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं कि बड़े क्वेश्चन हमेशा धैर्य मानते हैं, तो आप धैर्य रखिए क्वेश्चन को आराम से कीजिए, आप वहां तक आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है बोलो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट कॉस टू टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यू टी, हाँ अब बताओ बाबू प्लस साइन टू टी फिर अंडर रूट, देखिए क्या होगा ना कि यहां पे आप जो कर रहे होंगे, हाँ चलो सही है कोई दिक्कत नहीं है, चलो सही ठीक है कॉस टू टी, ठीक है बाय बाय, कितना हो जाएगा ये वाला लिख दो थ्री अंडर रूट कॉस टू टी शीर्ष, यहाँ पे t है यार प्लस नहीं है, यहाँ पे t है यार प्लस नहीं है, ठीक है
तभी तो मैंने सोचा कि कहां से गलत हो रहा है। साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस इसको हम लिख रहे हैं भाई, इसको हम लिख रहे हैं वाई वाले टर्म, ऊपर वाले को लिख रहे हो ना, चलो ठीक है। नीचे वाला क्या है, प्लस साइन यू टी और साइन टू टी, खत्म हो गया। और भाई क्या लिखोगे, अंडर रूट कॉस टू टी। तो मैंने देखा कि इससे इसको काट दिया है और ऊपर वाला को ऊपर लिख दिया है, नीचे वाला को नीचे लिख दिया है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा। अगर तुम मन करे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रूट से रूट खत्म हो जाएगा, नीचे वाला भी टर्म खत्म हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो बताओ -3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, कॉस टू टी बना देगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी और साइन टी हो जाएगा प्लस। अब बताओ अब कॉस क्यू टी और साइन टू टी हो जाएगा। हम अब ये वाला जब नीचे अंडर रूट में कॉस टी और अंडर रूट में ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कट जाएगा यहाँ पे। फिर बताओ 3 अंडर रूट कॉस टू टी, अंडर रूट फिर यहां से क्यों करो यार, क्यों करें हम अंडर रूट, क्योंकि इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कॉस टू टी और साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी और साइन टू टी, खत्म। यही हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ जाता है, यही चल के यहाँ पे आ जाता है। कुछ कॉमन हो रहा होगा, नहीं हो रहा है। अरे एक क्वेश्चन बोलो, यक्स इक्वल टू क्या दिया है, यक्स कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, क्या करोगे। ए कॉस टी प्लस इसका क्या होगा बोलो तो, डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस का क्या होगा, तो माइनस साइन टी, लॉग टेन बाई टू इसका क्या होगा, टेन टी बाई टू। बोलो यार टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, टी का क्या होगा, वन बाई टू, चेक करो ए माइनस साइन टी, इसको इधर ले आते हैं बाबू, तो प्लस वन बाई टू। अब यहां पे देखो सेक को यानी सेक को क्या लिख सकते हैं, एक बार तुम भी बताओ, वन बटा कॉस स्क्वायर टी बाई टू लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो आप, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा बोलो। तो तुम कहोगे कि सर ए साइन टी वन बाई टू, और देखो यार ये साइन क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा नीचे आ जाएगा, तो साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत है, नहीं है सर, बताओ भाई। तुम तो हाँ, तो ए तुम्हारा साइन टी और प्लस यहाँ पे साइन टी का फार्मूला बना लेगा, ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा, साइन टी का। क्यों बन जाएगा, क्योंकि भैया हम कह रहे हैं साइन टी इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू टू इंटू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, थीटा का फॉर्म। अब इसी तरह से यदि तुम्हारी शौक हो या मन हो तो एलसीएम ले लो, बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर टी प्लस वन और यहाँ पे क्या होगा, साइन टी। बाबू इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, ए यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ओके कोई दिक्कत है, नहीं है सर, चलो जब तो दिक्कत नहीं है तो अब इसका करते हैं वाई वाले टर्म का, तो वाई तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा दें तो डीएक्स बाई डी टी लिख दो, यहां पे लिख लेते हैं डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू तुम्हारा क्या आ रहा है, ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है। चलो बोलो बाबू,
वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या दिया है ए साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, कुछ मत करो। अब इसका डी वाई बाई डी टी डी एक्स निकाल दो, तो जब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो डी वाई बाई डी टी यानी इतना बटा डी वाई बाई डी एक्स यानी डी इतना बटा क्या हो जाएगा उतना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ए से ये कट जाएगा। बता यार दिक्कत क्या है, किस बात की दिक्कत है लाल, तो कॉस टी बटा यहाँ पे इस टी को हम साइन टी को हम क्या कर लेते हैं ना बाबू ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी एक तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा टैन टी, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है सम कर रहे होंगे तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा है, तो यहाँ पे डी एक्स बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा, ए सेक थीटा का क्या होता है तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। इसी तरह से आप वाई का निकाल लो, वाई इक्वल टू क्या होता है बी टैन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा बी, और टेन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे बोलो, तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल रहे होगे क्या आएगा तुम्हारा, सॉरी यार डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा बी सेक स्क्वायर थीटा बटे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक थीटा सेक थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बी वाई ए सेक थीटा बटे टेन थीटा आ जाएगा। एक चीज और चेक करो, बी बाई ए वन बाई यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बी बाई ए वन बाई साइन थीटा, बी बाई ए और यहाँ पे क्या होगा कॉस सेक थीटा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। डी एक्स बाई डी थीटा बोलो ए कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे देखो पहला और दूसरा फॉर्म इसमें लगेगा यू और वी वाला, तो पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, इसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, इससे ये कट जाएगा यार काट भी लेना, तो क्या आएगा ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है डी वाई बाई डी थीटा, अब बोलो ए साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, फिर लगाओ वहां पे पहला दूसरा, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस प्लस, दूसरा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस थीटा, ये से ये कट जाएगा, क्या आएगा बाबू ए थीटा, यहाँ पे थीटा होगा यार और थीटा साइन थीटा, कुछ मत करो डी वाई बाई डी एक्स निकालो क्या आएगा तुम्हारे पास, तो ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कॉस थीटा, चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है टेन थीटा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग का ये 10 दिन यानी 10वां दिन भी हम लोग का क्या हो रहा है कंप्लीट हुआ, आज हम लोग का 100 क्वेश्चन ओवरऑल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है तो भैया आइए मिलिए और मजे करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, बहुत जरूरी है यार। ठीक है।